तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, और आज मैं आपके लिए फ्रॉन्क्स का सिग्मा मॉडल लेके आया हूँ। रियर प्रोफाइल से कल हमने बात करी थी, फ्रॉन्क्स में आपको होंडा एचआरवी की याद आती है, डिटेल में समझेंगे गाड़ी अपने साथ क्या देती है। स्पेशल बात है, कलर ऑप्शन है ये इसका सिल्वर, जो कि स्प्लेंडर्ड सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ये कलर ना आपने सियाज में भी देखा है, बलिनो में भी देखा है, और क्या कुछ मिलता है इसमें वो समझाऊंगा। और खास बात, ऑन रोड प्राइस कितनी है वो आज सामने आ गई है, वो देख लेंगे एक बार। बाकी डिज़ाइन आप देख रहे हैं, कलर ऑप्शन आपके सामने, गाड़ी का साइज़ 4 मीटर से छोटा है। एक तरीके से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रियर की प्रोफाइल इसकी ब्रेजा से इंस्पायर है, फ्रंट का लुक इसमें ग्रैंड विटारा वाला मिलता है, साइड से ये गाड़ी बलिनो के लेवल की है। वही सेम चीज़ इसकी प्राइसिंग में भी है। ये गाड़ी ब्रेजा के मुकाबले 85,000 रुपये एक्स शोरूम कम में है, लगभग 1.25 लाख कम में आपको अगर बेस मॉडल मिल रहा है ब्रेजा का, उसमें आपको फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल मिलेगा। और वहीं अगर आप बलिनो का बेस ले रहे हैं, उससे 1.25 लाख रुपये ऊपर आपको फ्रॉन्क्स का बेस मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 308 लीटर का बूट स्पेस। इसमें भी कह रहे हैं लोग कि भाई थोड़ा डीप बूट स्पेस है और बड़ा बड़ा सामान भी इसमें हम आसानी से रख सकते हैं, तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट सामने आ रहे हैं। इस साइड देखेंगे क्लैडिंग, आप देखेंगे उस साइड इतना स्पेस, कुछ यहाँ पर अच्छा काम मारुति ने किया हुआ है। क्वालिटी की बात करें तो रियर के बूट में अगर आप आएंगे नोटिस करेंगे अच्छी आपको क्वालिटी लगेगी। पीछे देखिए ब्रेजा इंस्पायर्ड आपको यहाँ पर बढ़िया से टेल लैम्प मिलते हैं और काफ़ी अच्छे और काफ़ी डायनेमिक लगते हैं। साथ में देखेंगे यहाँ पर आपको पीछे के टर्न इंडिकेटर LED के साथ मिलते हैं, जो कि अच्छा एडिशन है। कलर ऑप्शन स्पेशली इसी के लिए वीडियो भी बनानी पड़ी, और थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा फ्लैश लग रहा है। स्प्लेंडर्ड सिल्वर है इसका नाम, और कैसी लगती है गाड़ी आप देखिए। फ्रंट में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा की याद आ रही, मैं कह रहा था, और फ्रंट का लुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बोल्ड रखा गया है। मैं स्पेशली आपको दिखाना चाहूँगा इसकी लाइट्स, जिनका थ्रो स्पेशली बहुत ज़्यादा है, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अच्छी लाइट है इसकी, और हैलोजन के साथ आपको प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया, टर्न इंडिकेटर है, बेसिक आपको पोजीशन लैंप मिलते हैं। एक चीज़ देखेंगे, सिग्मा मॉडल है तो ये चीज़ आपको फेंडर में मिलती है, डेल्टा से आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आपको एक ब्लैक शेड में मिलने वाला है। साथ ही आपको 16 इंच का रिम मिलता है, 195/60 रेडियल 16 का रिम दिया गया है। अब देखिए एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर फ्रंट में आपको क्रोम की पूरी लाइनिंग मिलती है, जो कि अच्छा एडिशन है, मारुति ने सही सोचा इसके बारे में। और अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं ना, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 7.46 लाख रुपीज़, 7,46,000 रुपये, और एक्सेसरी के साथ ये गाड़ी ऑन रोड आपको अभी नेक्सा हल्द्वानी में 9,25,000 रुपये की पड़ने वाली है। बुकिंग अभी कराएंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी गाड़ी, लेकिन फ्यूचर में इसकी वेटिंग अच्छी खासी होने वाली है, जैसे कि ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, बलिनो, इन सब के जो बेस मॉडल है सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। नीचे देखेंगे अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल मिलेगी। एक अच्छी चीज़ और लगेगी, जो टायर साइज़ है, बेस मॉडल टॉप मॉडल सब में सेम है, 195/60 रेडियल 16 इंच का टायर मिलता है। आगे आपको ड्रम ब्रेक, पीछे आपको डिस्क का ऑप्शन मिलेगा। और गाड़ी को अगर आप साइड से देखेंगे तो अच्छा साइज़ है इसका, 4 मीटर से छोटी ही गाड़ी है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा डिज़ाइन दिया गया है जो होंडा अपनी 22 से लेके 25 लाख की गाड़ी होंडा HR-V में देती है ना, वही कुछ रेयर का कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन, और बहुत ही मॉडर्न है, इंडिया में कुछ नया है। और आपको क्या लगता है ज़रूर बताएगा। कल मैंने डेल्टा प्लस मॉडल आपके सामने रखा था, जो कि ग्रे शेड में था और ब्लैक अलॉय के साथ था, वो बिल्कुल लग रहा था कि HR-V है। मुझे खुशी ये हुई कि गाड़ी करीब 10.5 लाख रुपये ऑन रोड में आपको 22 लाख वाली गाड़ी का लुक दे रही है, जो कि होंडा भी लाएगी लेकिन फ्यूचर में लाएगी। अभी देखिए पीछे तो ये है इसका डिपार्चर एंगल, साथ में ही अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, बूट हमने देख लिया, ये वाला सिस्टम इसमें नहीं चलेगा, ये सिर्फ रिफ्लेक्टर है, ब्रेक यूनिट वहाँ है, शार्पी 99 है, और ये मिलेगा आपको इसमें रूफ रेल का ऑप्शन। अंदर चलते हैं गाड़ी के, प्लेटफॉर्म कैसा है, सेफ्टी कैसी है, आगे डिस्कस करेंगे इसके साथ ही। और साथ ही एक और चीज़ देखिए, जो पीछे की क्लैडिंग का पार्ट है, जो स्किड प्लेट आपको मिलेगी, वो आपको थोड़ी सी मैट फिनिश में मिलेगी, साथ ही ये कुछ प्लास्टिक वाले एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं। और नीचे से देखेंगे ना, गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस वाइज एक ऑफ रोडिंग करने के लिए भी तैयार है गाड़ी। और ये सारी क्लैडिंग का पार्ट आप देखिए, अंदर चलते हैं सीधे और वहाँ देख लेते हैं गाड़ी क्या कुछ देगी। डोर हैंडल आपको ब्लैक ब्लैक मिलेंगे, और ये एक मिस आउट है, इसमें अगर आप बॉडी कलर करवा देंगे पेंट तो बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, और कहीं से भी नहीं लगेगी गाड़ी की बेस मॉडल है। ये चीज़ अगर आप नहीं भी कराए, इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं बाद में भी। आपकी बेस मॉडल फ्रॉन्क्स के अंदर सिग्मा मॉडल है, ऐसे कुछ आपको की फॉर्म मिलेगी, और सिंपल फंक्शन है, सेंट्रल लॉकिंग के साथ है, ये इसके लॉकिंग का फंक्शन है, और ये है इसके अनलॉकिंग का फंक्शन, जो कि ऐसी दिखेगी आपको, पीछे सुजुकी का लोगो है। और ऐसा कुछ सिंपल आपको यहाँ पर डोर हैंडल मिलेगा। अब देखिए गाड़ी अगर लॉक्ड है तो वहीं से आपको पता चलने वाला है, और ये लॉक हो जाता है, अनलॉक करना है, सिंपल से आपको इसको अनलॉक करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेदर स्ट्रिप आपको बेसिक मिलेगी, एक्सेसरी में ये सब क्रोम व्रोम करा के आप पूरा टॉप मॉडल का फील ले सकते हैं। अंदर चलेंगे तो इस प्रकार का आपको पूरा जो डैशबोर्ड है वो दिखने वाला है,
किसी प्रकार से ना कहीं से भी नहीं लगेगा कि बेस मॉडल है। वो चीज़ बलिनो में भी हम देख चुके हैं, ब्रेज़ा में भी देख चुके हैं, और जो ग्रैंड विटारा है उसमें तो अलग लेवल की चीज़ मिलती है आपको, पुश बटन स्टार्ट मिलता है, वो चीज़ इनमें नहीं है। अगर यहाँ पर भी पुश बटन स्टार्ट आ जाता तो एक और बढ़िया हो सकता था, लेकिन जिस प्राइस में आ रही है गाड़ी सही है। और साथ में देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा, कुछ आपको यहाँ पर फैब्रिक मिल जाएगा, ये कुछ और फैब्रिक है। मैंने कल बताया था कि आपको डेल्टा से वो RVM फोल्डेबल मिल जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नहीं रहती सिग्मा में। और ये बेसिक सारे कंट्रोल वन टच डाउन के फंक्शन के साथ ये चीज़ आपको दी गई है गाड़ी में, तो ये चीज़ देख रहे हैं वन टच डाउन। और मुझे ना हल्का सा इसमें UV कट वाला फंक्शन भी लग रहा है, देखिए ना बाहर उसके दूसरी तरफ देख रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट कम हो जा रही है, सनग्लास वाला इफेक्ट आ रहा है, तो ये भी सही है एक तरीके से। और यहाँ पर आप सारे पावर विंडो के कंट्रोल, कुछ इतना आपको स्पेस मिलेगा इसमें, आपको जो डेल्टा 7 इंच की आपको स्क्रीन देती है वो नहीं मिलेगी, स्पीकर नहीं मिलेंगे। साथ में ये जो फैब्रिक सीटिंग है ये आप देखेंगे बलिनो की तरह ही है, और लगभग आपको जो ब्रेज़ा वाली फील है वो भी ये दे देती है। इस साइड देखेंगे फुटवेल आपको मिलेगा, डेड पेडल मिल जाता है, अच्छी चीज़ है। गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड का ऑप्शन, ESP का ऑप्शन, दो एयरबैग मिल जाएंगे, ABS, EBD, ये इसका सेफ्टी फीचर है। बाकी प्लेटफॉर्म ये हार्डटेक प्लेटफॉर्म है 5th generation वाला, जो कि बलिनो के टाइम यहाँ पर अपडेट होकर सामने आया था। गाड़ी इस प्रकार बाहर से दिखाई देती है, अंदर चलते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड मिलेगा, कुछ कार्बन फाइबर की फिनिश, और यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे जो डायल्स आपको मिल जाते हैं, जो सारा नेसेसरी कंट्रोल और चीज़ें आपको देते हैं, एवरेज रेंज, ओडोमीटर और टेम्परेचर। साथ में देखेंगे ये इसका पूरा डैशबोर्ड, और साथ में देखिए फ्रंट में बॉनेट, अच्छी चीज़ है ना, मतलब पहाड़ों में चलना है, ट्रैफिक में चलना है तो ये चीज़ होनी चाहिए। IRV में आप देखेंगे डे नाइट फंक्शन के साथ है। बाकी मेरा हेडरूम शोल्डर रूम देखेंगे, इस प्रकार मेरा पूरा आपको हेडरूम मिल जाता है, और शोल्डर रूम गाड़ी में सही लगेगा आपको। बलिनो के मुकाबले ये गाड़ी ना ऊंची गाड़ी है तो आपको वो फ़ायदा मिल जाता है इसके साथ। यहाँ पर कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो स्टीयरिंग है वो आपको टिल्ट फंक्शन देता है, तो फैमिली में हाइट के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ है, AC के कंट्रोल है। नीचे आप देखेंगे AC वेंट ऑटोमेटिक मिल जाता है, ये कोई USB डेल्टा से मिलेगा। इस साइड आप देखेंगे बेसिक 12 वोल्ट का सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। क्वालिटी में आपको अच्छी लगेगी, नॉर्मल फिनिश है, थोड़ा सा सिल्वर फिनिश है, थोड़ा सा आपको मैट फिनिश है, ये फिर से नॉर्मल फिनिश है। इस साइड देखेंगे साइड में कोई भी एयरबैग नहीं है, और लाइट आपको अंदर हैलोजन दी गई है पूरी, यहाँ पर कोई मिरर नहीं मिलेगा, लेकिन इस साइड आप, और साथ ही यहाँ पर भी कोई मिरर नहीं है, तो ये चीज़ आपके सामने है। और ये आप सेंटर में बेसिक सा सारा लेआउट देखेंगे। और इस गाड़ी की प्राइसिंग मैंने कही कि 9,25,000 रुपये एक शोरूम के साथ, और लगभग 9 लाख के आसपास ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ रही है, 7,46,000 रुपये के रेंज में। नीचे देखेंगे तो इतना आपको पूरा लेग रूम किस प्रकार मिलता है, ये देखेंगे पूरा अंडर सपोर्ट। और सबसे खास बात जो इंजन है इसमें, वो इसकी सबसे बड़ी USP बनती है, 1.2 लीटर का K सीरीज़ का इंजन मिलता है, जो कि डुअल VVT के साथ है। बताने वाली बात नहीं है, लेकिन 90 हॉर्स पावर इस गाड़ी के हिसाब से सही है, क्योंकि इंडिया में ऐसी भी गाड़ी है जो कि इससे थोड़ी बड़ी साइज़ की है, लेकिन फिर भी HP के मामले में पीछे है। 113 NM का टॉर्क इसमें मिलता है, 21 KMPL का माइलेज आपको मैनुअल के साथ इसमें कंपनी क्लेम कर रही है, और ऑटोमेटिक में थोड़ा कम रहता है मैनुअल के मुकाबले। नीचे देखेंगे इतना आपको पूरा स्पेस और जो पूरी कवरिंग है, बाकी 4 सिलेंडर का इंजन है, और ये सारी माउंटिंग और जो सीलेंट है सिग्मा मॉडल है करके कोई कमी नहीं की गई है, सेम है टॉप मॉडल वाली ही। अल्फा में नहीं रहेगा 1.2 के सीरीज, सिर्फ आपको डेल्टा प्लस या जीटा तक रहता है। इस साइड आपको पूरा हुड इंसुलेटर और ये पूरा ग्लाइडिंग का पार्ट। आगे का जो बॉनेट है उसका वेट काफ़ी अच्छा है, और पैनल के जो सारे गैप है वो भी मैं देख रहा हूँ कि यूनिफॉर्म रखे गए, ऐसा नहीं कि कोई पैनल ज़्यादा है कोई पैनल कम लगेगा। तो ये तो बाहर का पूरा वर्डिक्ट था, लेकिन सेकंड देख लेते हैं कि फैमिली के हिसाब से गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है, और जो लोग कह रहे हैं ना कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर स्पेस का फ़ायदा मिल रहा है, इस प्रकार आपको रियर की पूरी सीटिंग मिलती है, 3 लोगों के बैठने का पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। बीच में देखेंगे हेडरेस्ट आपको मिलेगा, आपको बीच में ही 3-point सीट बेल्ट दी गई है, और ये जो रूफ है थोड़ी सी स्लोपिंग है, तो लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि अंदर हेडरूम कहीं हुंडई वरना की तरह जो पुरानी आती थी उसकी तरह कम ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पूरा जो हेडरूम है रहता है। पार्शल सेल्फ आपको चाहिए तो वो आपको डेल्टा ही दे पाएगा, जो कि इससे थोड़ा ऊपर वाला वेरियंट है, 1.25 लाख रुपये प्रीमियम में आपके सामने रखा गया। इस साइड आपको पूरा जो पार्शल सेल्फ का माउंटिंग है वो तो दी गई है, एक्सेसरी में आप उसको लगवा सकते हैं। 16 इंच का आपको यहाँ पर स्टील व्हील मिलेगा, जो कि एक्सेसरी के रूप में आप अलॉय भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है। बाकी इस साइड देखेंगे किस प्रकार से आपको पूरा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का रहता है, 190 mm, जो कि कहीं ना कहीं क्रेटॉस एल्टॉस उनके लेवल का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दिया गया है। और इसकी मदद से ये गाड़ी थोड़ी बहुत ख़राब रास्तों में भी जा सकती है, और जो आप बलिनो में नहीं कर पाते थे इस गाड़ी में इजीली हो जाएगा। बैठते हैं तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक है, फैब्रिक है, फैब्रिक है, इतना स्पेस है, और यहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए इतना स्पेसिंग आपको दी गई है। थोड़ी सी क्लैडिंग आप देख रहे हैं जो कि इसमें मिलने वाली है। व्हील कैप आपके सामने कंपनी फिटेड है, डेल्टा और सिग्मा में सेम व्हील कैप आपको मिलेंगे। इस साइड देखिए तो यहाँ पर आपको कोई भी AC वेंट इसमें नहीं रहता है रियर में, सिर्फ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट। साथ में ये इसका पूरा फ्रंट का डैशबोर्ड देख रहे हैं। नीचे देखेंगे सेंटर कंसोल, और अंडर सपोर्ट ना सही है गाड़ी में, पीछे भी बैठा हुआ हूँ
तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कम स्पेस है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया, लेकिन फिर भी जितना हेडरूम शोल्डर रूम है ठीक ठीक आपको लगेगा। पीछे आप देखेंगे तो तीन लोगों के बैठने का स्पेस, एक दो और तीन, बीच में आपको हेडरेस्ट ऐसा मिलेगा जो कि एडजस्टेबल है, थ्री पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी, तो सेफ्टी के लिए मारुति ने सोचा है। और एटलीस्ट पीछे देखेंगे छोटा और क्वार्टर पैनल ग्लास दिया गया है जिससे गाड़ी का डिज़ाइन भी अच्छा हो गया और हल्का सा एक लाइट भी बाहर से आएगी जिससे और थोड़ा रूमी आपको फील होगा। तो फिर ये रही आपकी ऑल न्यू फ्रॉन्क्स सिग्मा मॉडल जो कि इसका बेस मॉडल है एक तरीके से। काम के फंक्शन सारे हैं इसमें, जिसको सिंपल लाइफ है उसके हिसाब से गाड़ी में लगभग सब कुछ है। और म्यूजिक सिस्टम आप लगाना चाहते हैं बाहर से इसमें लगा सकते हैं। प्राइसिंग एक बार देख लीजिए, टोटल यहाँ पर चार पाँच मॉडल मिलते हैं। सिग्मा 5 मैनुअल की बात कर रहा था मैं, जो कि 7,46,500 रुपये एक शोरूम है, 9,25,000 के आसपास आपको ये ऑन रोड पड़ रही है। इसके ऊपर डेल्टा मिलेगा आपको जो कि कॉस्टिंग आपके सामने है। डेल्टा में AGS मिल जाएगा, डेल्टा प्लस में भी ऑप्शन दिया गया मैनुअल का और डेल्टा प्लस में AGS का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको टर्बो इंजन चाहिए फिर डेल्टा प्लस में दिया गया है, जीटा है, जीटा में ही ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, डेल्टा प्लस में ऑटोमेटिक नहीं है टर्बो के साथ, अल्फा में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है। और साथ ही अगर फुली लोडेड मॉडल आपको चाहिए तो अल्फा में डुअल टोन का ऑप्शन है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है। और टॉप मॉडल अगर आप एक शोरूम प्राइस के हिसाब से देखें तो 13,13,500 रुपये का है, ऑन रोड लगभग ये गाड़ी 14 से 15 लाख रुपये आपको कॉस्ट करने वाली है। तो आप मुझे बताइए गाड़ी कितनी वैल्यू फॉर मनी लगी। साथ ही स्टार्टिंग में आपने कहा था कि बेस मॉडल अगर आप कंपेयर करें बलिनो से तो 1.25 लाख रुपये ज़्यादा है, ब्रेज़ा के मुकाबले 1.25 लाख सस्ती है, तो बीचों बीच में इसको प्लेस किया गया है। उसके अलावा कंपटीशन देखा जाए तो काइगर है आपकी जो मैग्नाइट आती है, साथ ही वेन्यू का बेस मॉडल है, काफ़ी लोग इसको नेक्सॉन से भी कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हर कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है। आप बताइए आपको क्या ज़्यादा पसंद है। और साथ ही आज हम हैं नेक्सा हल्द्वानी में, जो कि अपना मारुति सुजुकी का बढ़िया सा शोरूम है यहाँ पर रामपुर रोड में। यहाँ ये गाड़ी आज लॉन्च भी हो गई है, 26 तारीख है आज। अगर आप नहीं आए थे तो आ जाइए एक बार इसको एक्सपीरियंस कर लीजिए। बाकी कलर ऑप्शन जैसे जैसे आएंगे आपके सामने पेश करता जाऊंगा। इसका रेड का भी शेड आएगा, ब्लू आ चुका है, सिल्वर आ चुका है, ग्रे आ चुका है, ऑप्शन लगभग सारे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ब्राउन और रेड अभी बचता है, वो आपके सामने रखता हूँ। आप मुझे बताइए आप इसका कौन सा वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं, और कंपटीशन में अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो भी कमेंट करिए, एक बार देख लेंगे आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेके। वीडियो के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ। और इसके अलावा होंडा HRV की हर बार बातें हो रही है, आप कमेंट में मुझसे खुद पूछते हैं कि भाई गाड़ी पीछे से HRV लग रही है, क्या HRV भी ऐसी आएगी इंडिया में, तो उसको एक बार आने देते हैं। जून जुलाई के आसपास होंडा भी कुछ नया करने वाला है, लेकिन यहाँ पर बारी है मारुति की अपनी फ्रॉन्क्स के साथ। बाकी वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।